साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अपच, बदहजमी, इंडाइजेशन डिजीज के ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अपच की समस्या हर घर की समस्याएं बन चुकी है, हर घर की समस्याएं बन चुकी है। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति अपच, इंडाइजेशन, बदहजमी की समस्याओं से ग्रसित है। खासकर 40 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों में बहुत अधिक पाई जाती है। इस समस्याओं से काफी व्यक्ति परेशान है। बहुत तरह की दवाइयां, बहुत तरह के ट्रीटमेंट, बहुत सारे इलाज कराकर थक जाते हैं। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और फिर परेशानियां उठानी पड़ती है। तो साथियों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, बदहजमी, अपच, इंडाइजेशन, इसी के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। साथियों, एक हमारे अच्छे सब्सक्राइबर साथी हैं संजू कुमार जी, जिनका अनुरोध भी है, जिनका फरमाइश भी है कि आप इंडाइजेशन, बदहजमी पर एक वीडियो बनाएं। आज मैं बनाने जा रहा हूं। तो साथियों, इस वीडियो पर आप सभी शुरू से अंत तक अवश्य बने रहें। सबसे पहले मैं आप सबों को नए साल का बधाई दे रहा हूं। नया साल, न्यू हैप्पी ईयर सभी साथियों को। तो सभी साथी हमारे साथ शुरू से अंत तक इस वीडियो पर अवश्य बने रहें। मैं आशा करता हूं, कामना करता हूं नया साल आप लोगों का, आप सबों का बहुत अच्छा हो, शुभ हो और खुशहालियां भरा हो। तो साथियों, चलिए इसी के साथ अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आगे बढ़ाता हूं। मैं डॉक्टर एम ए आजाद, आप सबों का मेरे आजाद होम्योपैथिक क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज मैं इनडाइजेशन, अपच, बदहजमी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। अपच की समस्याएं जो मैं इन दिनों देख रहा हूं बहुत अधिक पाई जाती है। अपच की समस्याएं लेडी, जेंट्स, जवान, बूढ़े सबों में यह समस्याएं पाई जाती है। जो मैंने देखा, अधिकतर एक घरों में जिसमें के 10 से 12 आदमी रहते हैं, उनमें से 5-6 आदमियों को इस समस्या से ग्रसित मैंने देखा। यह हर घर की एक बीमारी बन चुकी है। हर घर में आपको इंडाइजेशन की समस्याएं और अपच की समस्याएं देखने को मिलती है। आपको समझने की आवश्यकता है इस अपच से किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सके, आप अपने सेहत को अपच से किस तरह से बचा सकते हैं। मैं आज इनके मेडिसिन के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में दोनों आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक अवश्य बने रहें। साथियों, जो हमारे नए साथी देख रहे हैं, इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें और खासतौर से संजू जी, संजू कुमार जी, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से कराएं। आप बहुत परेशान हैं इंडाइजेशन से, बदहजमी की समस्या से। मैं आज आपको इस मेडिसिन, इस ट्रीटमेंट की मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सावधानी पूर्वक सुने। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को भली भांति शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इंडाइजेशन की समस्या प्रत्येक घर में बनी हुई है। अक्सर ये समस्याएं 40 वर्ष से अधिक आदमियों में पाई जाती है। बूढ़े में तो खासतौर से बहुत अधिक ये समस्याएं हैं, इंडाइजेशन, अपच, बदहजमी की। कहीं भी आप पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, खाना खाने के बाद खट्टी डिकारें आने लगती है, अपच की समस्याएं बनी रहती है, मन सुस्त हो जाता है, चलने में, फिरने में, बोलने में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी समस्याएं अपच, इंडाइजेशन, बदहजमी के वजह से हो रही है। पहले आपको समझने की यह आवश्यकता है कि इंडाइजेशन हो क्यों रही है। आप जो रोज खाना खाते हैं, मसालेदार बहुत अधिक यूज कर रहे हैं, तेलहन वस्तु को बहुत अधिक यूज कर रहे हैं, तेल में छकी हुई पूड़ी, सब्जी में बहुत अधिक तेल
यूज करना, तली हुई चीजों को बहुत अधिक खाना, छोले भटोले, इस प्रकार से कई ऐसी वस्तुएं खाना जिसमें कि तेल बहुत अधिक हो, मसाला बहुत अधिक हो, मिर्च बहुत अधिक हो, ऐसे भोजन से आप परहेज करें। जो भी खानी हो ताजा बनाकर, कम तेल डालकर, कम मसाला डालें, कम मिर्च डालें और अपने घरों में स्वच्छ और स्वस्थ भोजन बनाएं और उन्हीं भोजन को आप खाएं। बाहर के भोजन को खाने से आप बिल्कुल बचें, आवश्यकता पड़ने पर ही खाएं, अन्यथा अपने घरों का भोजन शुद्ध बना हुआ हमेशा यूज करें, हमेशा खाने का कोशिश करें। साथियों, घर का भोजन शुद्ध होता है, अच्छा होता है और ताजा भी होता है। इंडाइजेशन की समस्याएं जो आज हो रही है, मैं उस डिजीज के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में जो बताऊंगा, मैंने खास तौर से अपने भी क्लिनिक में ऐसे पेशेंट को देखा हूं जिनकी समस्याएं होती है खाना खाने के बाद ठीक से पचता नहीं, खट्टी डिकारे आने लगती है, उल्टी जैसा मन करने लगता है, पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है, खाने के बाद बहुत देर तक भोजन पचता ही नहीं है। ऐसी समस्या होने के वजह से उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं हो रहा है, मन ठीक नहीं लगता और अपच इंडाइजेशन के वजह से कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती है। बीमारियों का जड़ इंडाइजेशन ही मुख्य तौर से है। अगर पचना या पाचन की क्रिया सही से हो जाए तो फिर आप स्वस्थ रहने लगेंगे और बीमारी आपसे दूर। साथियों, इंडाइजेशन जब किसी व्यक्ति को हो जाती है तो ऐसे अवस्थाओं में उन्हें काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है। कुछ व्यक्ति को तो ऐसा भी होता है कि इंडाइजेशन के बाद काफी मात्रा में गैस का बनना शुरू हो जाता है और फिर उनका माथा दर्द करने लगता है, माथा भारी हो जाता है, किसी किसी का माथा घूमने लगता है, चकराने लगता है। कुछ व्यक्ति तो हमारे पास इंडाइजेशन के ऐसे भी आते हैं जिनका कहना होता है कि इंडाइजेशन के बाद इतनी अधिक मात्राओं में गैस बनता है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगती है। कोई कोई पेशेंट बताता है कि सीने में जलन होती है, दर्द होती है। कुछ व्यक्ति पेट में दर्द की शिकायत बताता है, कुछ व्यक्ति उल्टी की शिकायत भी बताता है। इंडाइजेशन के बाद बहुत तरह की लक्षण दिखाई देने को मिलने लगती है। इंडाइजेशन बहुत ही एक प्रकार से साधारण सी बीमारी देखने में लगती है, लेकिन इनका लक्षण अगर देखा जाए तो बहुत विकराल रूप है। इंडाइजेशन के वजह से रीढ़ में गैस फंस जाना, दर्द होना, कमर में भी कभी कभी दर्द होना गैस फंसने के वजह से, सीने में दर्द होना, माथे के पीछे, सिर के पीछे रीढ़ की जो हड्डी है गर्दन के पास वहां भी दर्द होने लगती है, कुछ व्यक्तियों को सर में दर्द होने लगता है, इन सभी लक्षणों को देखा जाता है और मैंने खुद देखा। इतना ही नहीं, अगर अपच हो जाए तो फिर खट्टी डिकारे आने लगती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। व्यक्ति 24 घंटे में एक बार खाता है, खाने के लिए कहने पर भी वो कहता है कि भूख नहीं लगी है। ऐसे अवस्थाओं में आप जो मेडिसिन चलाएं अपच की, इंडाइजेशन की, मैं आज बहुत अच्छी मेडिसिन बताने वाला हूं, आप इन्हें लिख लें, आप इन्हें नोट कर लें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। मैं स्क्रीन पर दाएं तरफ इन सभी दवाइयों का नाम लिखकर दे दूंगा, आप देख लें या नोट कर लें या स्क्रीनशॉट निकाल लें। साथियों, मैं जो दवाई बताने जा रहा हूं आज बहुत महत्वपूर्ण दवाई है, आप इस वीडियो पर शुरू से अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि अगर आज आपने छोड़ दिया तो पूरे साल भर आप पछताएंगे। नए साल 2021 पूरे आप साल पछताएंगे, क्योंकि आज मैं ऐसी दवाई बताने जा रहा हूं कि नए साल पर जो आप खाएंगे उसे डाइजेशन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी प्रकार की सुस्ती नहीं होगी। आप इंजॉय करें, नया साल मनाएं और इन दवाई को चलाएं और सब दिन अपने घरों पर रखें और सबों को स्वस्थ बनाए रखें, जो आज मैं दवाई बताने जा रहा हूं। साथियों, सबसे प्रथम दवाई
जो मैं बताने जा रहा हूं, तीन दवाइयों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन आपको बनानी है। सर्वप्रथम जो मैं दवाई बताने जा रहा हूं, दवाई नंबर एक नक्शभूमिका 30 CH। नक्शभूमिका 30 CH आपको लेनी है एक 30 ml के सीसी में। नक्शभूमिका आप इस प्रकार के 30 ml के सीसी में 10 ml लें, 10 ml इसमें भर लें नक्शभूमिका, या आप किसी होम्योपैथिक मेडिकल पर जाएं और उन्हें आप कहें कि 30 ml के बोतल में हमें नक्शभूमिका 10 ml दें। इसमें तीन दवाई मिलानी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। आप किसी भी मेडिकल वाले को आप बताएंगे, वो आपको बना कर देगा, बिल्कुल सही दवाई देगा और बहुत कम कीमत में। साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नक्शभूमिका प्रथम दवाई गैस की सर्व उत्तम दवाई होती है। नक्शभूमिका इतनी अच्छी दवाई होती है कि खाने के बाद खट्टी दिकारें आए और पच हो जाए, या किसी भी प्रकार से आपको भोजन के बाद कठिनाई हो, तो सर्वप्रथम आपको नक्शभूमिका खानी है। नक्शभूमिका जो है ये बहुत अधिक गुणकारी दवाई होती है, गैस की ये बहुत उत्तम दवाई है। मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं नक्शभूमिका इस 30 ml में 10 ml आपको लेनी है। दूसरी दवाई फिर आपको इसमें मिलानी है कार्बोविजिटेबुल। कार्बोविजिटेबुल जो है 30 CH, इन दवाई को आप फिर इसी में मिलाएं, क्योंकि कार्बोबेस मैं पहले बता चुका हूं कि तीन दवाइयों का आपको कॉम्बिनेशन बनानी है। तो कार्बोबेस दवाई आप इसमें 10 ml डालें। इस प्रकार कार्बोबेस बहुत अच्छी मेडिसिन होती है गैस की, कार्बोबेस आप इसमें डालें। तीसरी दवाई आप रूबेनियम 30 CH। रूबेनियम भी गैस की ही दवा है, किसी भी प्रकार से गैस बन जाए, सर में हल्का हल्का दर्द हो जाए, रूबेनिया का लक्षण है, रूबेनिया दवाई मेडिसिन इन्हें तुरंत कंट्रोल करती है, तो आप तीन मेडिसिन इसमें डालें। 30 ml की सीसी में सर्वप्रथम आप नक्शभूमिका 30 CH इसमें डालें 10 ml, फिर दूसरी दवाई कार्बोविजिटेबुल 10 ml इस बोतल में डालें आप इस प्रकार, फिर आप तीसरी दवाई रूबेनिया 30 CH पावर की आप लें और फिर इसमें डालें, या किसी होम्योपैथिक मेडिसिन पर आप जाएं, आपको मिलाकर दे देगा। साथियों, इस प्रकार ये तीन दवाइयों की कॉम्बिनेशन मिलाकर इन्हें बनाया गया। इस दवाई को बनाकर आप रख सकते हैं, इसी से आपकी गैस कंट्रोल हो जाएगी, बदहजमी कंट्रोल हो जाएगी, और पच की समस्याएं, इंडाइजेंस की डाइजेशन की समस्याएं इससे कंट्रोल हो जाएगी। आपको मैं बताने जा रहा हूं साथियों, इस दवाई की कॉम्बिनेशन बनाकर जो आप रखेंगे, आप कहीं भी जा सकते हैं इन्हें लेकर। आपने बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन खा लिया मसालेदार, या इतना अधिक आपने भोजन कर लिया कि इसके बाद अपच की समस्याएं हो गई, मन अकबका रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अब क्या करें, नहीं करें, कहां जाएं, कौन सी दवाई खाएं, क्या होगा, नहीं होगा, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, तो आप इस कॉम्बिनेशन को निकालें और 5 बूंद डायरेक्ट टंग पर खा लें। उसके बाद 10 मिनट पर फिर एक बूंद खाएं, 10 मिनट पर फिर एक बूंद खाएं। इस प्रकार से आप लगातार 10-10 मिनट पर एक एक बूंद आप खा सकते हैं, आपको आराम लगने लगे, अच्छा लगने लगे, आपका मन स्वस्थ लगने लगे, तो फिर आप 5 बूंद 3 टाइम ही खाएं, क्योंकि ये अधिक डिजीज को कंट्रोल करने की एक विधि है। बहुत अधिक अगर डिजीज हो, काफी अधिक आदमी व्याकुल हो कि क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, छटपट करता हो, एकदम मन अच्छा नहीं लगता हो, जैसे लगता हो कि अब मन उड़ जाएगा, अब मर जाएंगे या और कुछ हो जाएगा, ऐसे अवस्थाओं में अपच अधिक हो जाने के वजह से उन्हें बहुत अधिक गैस बन रही है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को रखें और इस कॉम्बिनेशन को उन्हें दें 5 बूंद 3 टाइम। घरों में खाना खाते हैं और पच की समस्याएं हो जाती है, 5 बूंद 3 टाइम खाएं।
लेकिन कहीं कोई पार्टी पे गया हो, किसी फंक्शन में गया हो, काफी अधिक भोजन करने से, काफी अधिक गरिष्ठ भोजन करने की वजह से उनको काफी परेशानी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे अवस्था में आप निकालें 5 बूंद, तुरंत टंग पर डायरेक्ट खाएं। फिर आप 20 मिनट में 20 मिनट पर एक बूंद खाएं, फिर 20 मिनट में एक बूंद पर खाएं, फिर 20 मिनट में एक बूंद पर एक बूंद खाएं। जब आपको लगे कि आप आराम बुझाने लगा, अच्छा लगने लगा, तो फिर आप खाना बंद कर दें और फिर 5 बूंद 3 टाइम ही खाएं। दवाई नंबर 1, जो कि मैंने इसमें 3 दवाइयां मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाया। अब मैं आपको दवाई नंबर 2 बताने जा रहा हूं साथियों। दवाई नंबर 2 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कालमेघ 30 CH, कालमेघ 30 ml की एक सीसी में। फिर आपको दूसरी दवाई, 2 दवाई मिलाकर बनानी है, जो कि कालमेघ क्यू मदर टिंचर आपको चलानी है 30 ml में। 30 ml की एक सीसी ले लें, उसमें कालमेघ क्यू और करिका पपाया, मैं दिखा रहा हूं आपको, करिका पपाया क्यू मदर किंचर, इन दोनों दवाइयों को 1 में मिला लें। इन दोनों की दवाई 1 में मिला लें, 30 ml की सीसी में 15 ml करिका पपाया, 15 ml कालमेघ, दोनों को इसमें मिला लें और फिर 15 बूंद 3 टाइम इन्हें पानी के साथ मिलाकर खानी है। साथियों, ये मैं बदहजमी का ही दवाई बताने जा रहा हूं, ऐसी बदहजमी जो कि बहुत अधिक पुराना है। नए बदहजमी में तो जो मैंने पहले कॉम्बिनेशन आपको बताया, नक्षभूमिका, कार्बोबेस और रुबीनियम, बस इसी से ठीक हो जाएगा। जहां भी आपको बदहजमी हो, आप निकालें 5 बूंद खाएं, 10-10 मिनट पर 1 बूंद खाएं, कंट्रोल होने के बाद आप दवाई को रख दें, आप ठीक हो गए। लेकिन जो पुरानी बदहजमी है, उनके लिए 4-5 दवाइयां चलेगी और कंटिन्यू 3 से 4 महीने चलेगी, तब वो स्वस्थ होगा। 1 दिन या 2 दिन दवाई खाने से कुछ देर के लिए आराम, लेकिन हमेशा के लिए वो स्वस्थ नहीं हो सकता। अगर हमेशा के लिए स्वस्थ होना है, अच्छी तरह लीवर को करना है, सही से अपच की समस्याओं को ठीक करनी है, तो फिर दवाई नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, कार्बोबेस नक्षभूमिका प्लस कार्बोबेस प्लस रुबीनियम 30 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है। दवाई नंबर 2 कालमेघ क्यू कालमेघ मदर टिंचर प्लस करिका पपाया मदर टिंचर, इन दोनों को आप मिक्स कर लें, 15 ml 15 बूंद 3 टाइम खानी है पानी के साथ। साथियों, अब मैं अगली दवाई नंबर 3 बताने जा रहा हूं। ये दोनों जो मैंने बताया बहुत अच्छी दवाई होती है साथियों। दवाई नंबर 3 चेलिडोनियम क्यू का मतलब साथियों मदर टिंचर होता है, आप इसको स्पष्ट समझ लें और मैं पहले भी बता चुका हूं। चेलिडोनियम लीवर की बहुत अच्छी दवा होती है, यह बहुत चीज में लीवर मैटर में चलाई जाती है और चेलिडोनियम जॉन्डिस में भी चलाई जाती है, लेकिन यह लीवर को ठीक करने की दवा होती है, बहुत अच्छी दवा होती है। इन्हें चेलिडोनियम क्यू मदर टिंचर को 15 बूंद 3 टाइम पानी के साथ खानी है। और साथियों, इनके साथ एक सिरप चलानी है, सिरप का नाम जॉन्डिला सिरप, 450 ml की सिरप होती है, बहुत अच्छी दवाई होती है। 450 ml की यह सिरप जॉन्डिला आप देख सकते हैं, इस सिरप पर साथियों लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, आप सुन सकते हैं। यह एक अनोखा उत्पाद है जो यकृत संरक्षक तथा हाजमा टॉनिक का काम करता है। भूख कम लगना, पेट में दर्द, हजमे की कमजोरी, पुराना कब्ज, गैस का बनना इत्यादि समस्याओं में विशेष लाभदायक है। बहुत अच्छी टॉनिक होती है साथियों, 5 ml 2 टाइम पीनी है।
ये दवाइयां खाने के बाद आप पिए, जॉन्डिला कंटिन्यू। ये दवाइयां आप 450 ml की है, इनकी कीमत 265 रुपये है। 125 ml के भी आती है, इससे छोटी बोतल भी आती है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो बड़ी बोतल लें, 265 रुपये की है, आप इन्हें लें। और अगर कोई डायबिटीज की बीमारी हो किसी के साथ, डायबिटीज का पेशेंट हो और गैस बनता हो, तो फिर ये जोंडिला शुगर फ्री भी आता है, आप शुगर फ्री वाला लें। ये जोंडिला शुगर फ्री आप कहेंगे उनको, तो उनको शुगर फ्री दवाइयां चला दी है, खासतौर से सिरप। और उधर जितनी दवाइयां मैंने बताई वो सारी दवाई चलते रहेगी, सिर्फ एक सिरप को आप डायबिटीज वाले के लिए, शुगर पेशेंट वाले के लिए सिर्फ ये सिरप आप बदल दें। कहना है जोंडिला शुगर फ्री सिरप दें, आपको मेडिकल वाले, होम्योपैथिक मेडिसिन वाले आपको जरूर देंगे, क्योंकि यह दोनों में अवेलेबल है। तो साथियों, मैंने जो आपको अभी दवाई बताया बहुत उत्तम और बहुत अच्छी दवाई है। सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है कि गैस, अपच, इंडाइजेशन की समस्या ये कई प्रकार की होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कहते हैं कि गैस बन रहा है, तो उन्हें मैंने जो फर्स्ट नंबर में दवाई बताया कॉम्बिनेशन, उन दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने क्लिनिक में देखा कि एक पेशेंट ऐसे भी आए जिनका कहना हुआ कि भूख नहीं लगता है, अपच की समस्या है, खाने के बाद हल्का हल्का पेट दर्द होता है, और मैदान जो है वो ठीक नहीं होता, अनपचा हुआ नहीं होता, फिर ठीक से डाइजेशन नहीं हो पाता, जो कि उनकी समस्याएं थी। तो ऐसे अवस्था में इन सभी दवाइयों को 5 से 6 महीने तक चलानी है, उनका लीवर सही हो जाएगा, डाइजेशन सही हो जाएगा, उपज की समस्याएं ठीक हो जाएगी। एक पेशेंट हमारे क्लिनिक में आया, उन्होंने साथियों बताया उपज की समस्याएं होने पर रीढ़ में दर्द होने लगती है, कभी कभी सीने में दर्द होने लगती है, इतनी अधिक गैस बन जाती है कि दर्द गैस की वजह से सीने में दर्द होने लगती है। ये सारी दवाइयां चलाएं 4 से 5 महीना, उनको बहुत लाभ मिलेगा, वो ठीक हो जाएगा। संजू कुमार जी, आपने जो कहा बहुत दिनों से ये समस्याएं बनी हुई है, मैंने बहुत सारी दवाइयां खाई कोई फायदा नहीं हुआ, आप ये दवाइयां चलाएं आपको बिल्कुल फायदा होगा, निश्चित फायदा होगा, मैं 100% इस बात से दावे के साथ कह सकता हूं। मैं इस मोबाइल में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आपको आवश्यकता पड़े तो आप मोबाइल से बात करें, मैं आपको दवाई बताऊंगा, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। इस दवाई को आप 15 दिन चलाएं और फिर हमको आप मोबाइल से बताएं, कॉल करके आप बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देंगे और अच्छा आपको फायदा नजर आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं संजू जी, आपने कहा है कि बहुत सारी दवाइयां मैंने खाया लेकिन कोई फायदा नहीं है, एक आप वीडियो बनाए आजाद जी अपच पर, बदहजमी पर, मैं ये वीडियो बना रहा हूं सभी साथियों के लिए। आप तो इससे लाभ उठाएंगे ही, लेकिन आपके साथ और भी साथी इससे लाभ उठाएं और इन्हें देखें। एक हमारे साथी और हमारे क्लिनिक में भी ऐसा ही एक पेशेंट आया हुआ था जिनका कहना था कि बदहजमी की प्रॉब्लम है, वो भी खाना खाने के बाद पेट फूला फूला, तना तना और गैस भरा हुआ जैसा लगता है, फिर भूख नहीं लगती और कब्जियत की शिकायत बनी रहती है। तो ऐसे अवस्था में एक दवाई और आपको बढ़ानी होगी, उस दवाई का नाम है लाइकोपोडियम 30 CH। लाइकोपोडियम का मुख्य कार्य जो है गैस को फाड़कर बाहर करना और पेट तना हुआ जो रहता है उन्हें वो कंट्रोल करता है। लाइकोपोडियम 30 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है। इन सारी दवाइयों के साथ, ये जितनी दवाइयां मैंने पहले बताया ये सारी दवाई चलेगी, लेकिन अलग से एक दवाई लाइकोपोडियम चलेगी। और जिन्हें ये कब्जियत होती हो तो, और अगर कब्जियत नहीं होती हो, बदहजमी में कभी कभी कुछ व्यक्ति को 2 से 3 बार पैखाना होने लगता है, 2 से 3 बार मैदान जाना पड़ता है, ऐसे अवस्थाओं में लाइकोपोडियम नहीं चलाएं, क्योंकि
यह कब्जियत को भी ठीक करती है। जिस व्यक्ति को कब्जियत रहता है लाइकोपोडियम 5x3 टाइम दें, उनके कब्जियत को ठीक कर देगी। ये पेट के निचले हिस्से में निचले भाग पर बहुत अधिक कार्य करती है, खासकर फुला हो, आवाज करता हो, पेट तना हुआ लगे, फुला हुआ लगे, लाइकोपोडियम आप दवाई दें बिल्कुल ठीक रहेगा। मैंने चलाया और लाभ भी देखा, 3 से 4 घंटे में लाइकोपोडियम लाभ दिखाने लगती है। साथियों, बदहजमी जब होती है तो 3 घंटा तक वक्त वो नहीं देख सकता, वो छटपट करने लगता है, बहुत अधिक परेशानियां होने लगती है। इसलिए आप जब पहला कॉम्बिनेशन नक्शभूमिका, कार्बोबेस और रूबीनियम आप इन्हें चलाएं 5 बूंद और 10-10 मिनट पर एक एक बूंद दें, 10-10 मिनट पर एक बूंद दें, वो जो बेचैन है, परेशान है, उनका परेशानी कंट्रोल आधे घंटे के अंदर हो जाएगा। और आधे घंटे के बाद आप फिर 5 बूंद 3 टाइम जो खाते हैं उसी प्रकार से खाएं। यह कंट्रोल करने की एक विधि है। बेचैन पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो कि बिगड़ रहा हो, ऐसा पेशेंट जो कि बहुत अधिक परेशान हो, इन पेशेंटों को कंट्रोल करने का एक तरीका है। तो साथियों, मैंने जो आपको दवाई बताया आप ठीक ढंग से आप देख लें और मिला भी लें, मैं फिर बोल रहा हूं और लास्ट में लिख दूंगा। और इतना ही नहीं, जब आप इस दवाई को 1 से 1.5 महीना चलाएंगे तो फिर इस पोटेंसी को आप बढ़ाएं। मदर टिंचर तो जो है वो चलेगा ही, लेकिन प्रथम दवाई का कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया, नक्शभूमिका, कार्बोबेस और रूबीनिया 30 CH, इनको आप 200 CH कर रहे हैं 1.5 महीने के बाद, बहुत लाभ मिलेगा आपको। उस प्रकार जो मैंने ये कॉम्बिनेशन 3 दवाइयों का बताया, आप कोई भी दवाई नहीं, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनाकर घर में रखें, सफर में जाएं तो बैग में रख लें, कहीं पार्टी पर जाएं तो बैग में रख लें, कहीं भी आप फंक्शन में जाएं तो आप बैग में रख लें, खाना खाने के बाद 5 बूंद आप खा लें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत आराम लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मन आपका फ्रेश रहेगा, बिल्कुल आप हंसते खिलते रहिएगा। इसलिए गैस की ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है जो मैं बता करके इस वीडियो पर दिया हूं। आप इन्हें यूज करें, साथियों को भी बताएं और आप अपने घर में पूरे आदमियों को यूज करने दें, सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी अच्छे रहेंगे। बच्चे को भी गैस बनता है, मैंने देखा है, बहुत अधिक बिस्कुट, बहुत अधिक दालमोठ, बहुत अधिक तलहन चीज, बहुत अधिक मैगी, बहुत अधिक चाट मसाला खा लेना, फिर बच्चे को भी गैस बन जाता है। तो जो मैंने ये पहला कॉम्बिनेशन आपको बताया कि अचानक गैस बन जाए खाने पीने से, गरिष्ठ भोजन खाने से, तेल अधिक खाने से, मसाला अधिक खाने से, तो जो मैंने पहला कॉम्बिनेशन बताया, इस कॉम्बिनेशन में 10-10 ml 3 दवाइयां मिलाकर के बनाया। आप अच्छी तरह से फिर मैं समझा रहा हूं, एक ही बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं। प्रथम 10 ml दवाई नक्शभूमिका 30 CH, फिर 10 ml दवाई कार्बोबेस वेजिटेबल 10 ml 30 CH, फिर 10 ml रूबीनिया 30 CH। इस प्रकार से यह 30 ml की दवाई बनके तैयार हो गई। आप इन्हें मिला लें 5-6 बार इस तरह करके मिला लें, यह आपकी कॉम्बिनेशन तैयार है। आप इन्हें बैग में रखें, कहीं भी जाएं, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, सफर में जा रहे हैं, कुछ आपने खाया पिया, तबियत आपकी बिगड़ने लगी, तबियत खराब आपको लगने लगी, आप तुरंत निकालें सफर में, बस, मोटर गाड़ी, कहीं भी रहें, आप इन्हें निकालें और डायरेक्ट टंग पर 5 बूंद पी लें। आपका मन स्वस्थ लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। जो गैस बना है वो गैस को तुरंत फाड़ कर बाहर कर देगा, आपको डकार अच्छी डकार आने लगेगी। अगर अधिक बेचैनी लगता हो तो 5 बूंद खा लें, फिर 10 मिनट के बाद 1 बूंद खाएं, फिर 10 मिनट के बाद 1 बूंद खाएं, इस प्रकार आप खाते रहें, आधे घंटे में आप स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत जल्दी यह दवाई काम करती है और बहुत जल्दी इनका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। साथियों, आज मैं ये जो दवाई आपको बताया, गैस, बदहजमी, इंडाइजेशन और पच की समस्या, बहुत अच्छी ये दवाई होती है, मैं इस वीडियो में लिखकर दे दूंगा दाएं तरफ, और मैं अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। साथियों, आपसे मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूं कि वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। आपको नया साल मुबारक हो। इनके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी नए साथी हैं, वो नए साथी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें।
साथियों में शेयर करें ताकि आपके साथी भी लाभ उठाएं। लाइक करें और आपसे मैं एक अनुरोध कर रहा हूं कि भाई तो आपके कामना के बारे में, शुभकामना के बारे में कहा ही, आप भी हमें शुभकामना नए साल का कमेंट के माध्यम से अवश्य भेजें ताकि मैं आपका शुभकामना पढ़कर मैं भी खुश हो जाऊं। जिस प्रकार से मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूं और आप मेडिसिन चलाकर खुश होते हैं और हमें धन्यवाद भी भेजते हैं और बहुत से साथी हमें मोबाइल से भी बात करते हैं जिसे मैं पहचानता भी नहीं हूं, बहुत दूर दूर के साथी हैं। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ नया साल आपको मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, फिर मिलेंगे।